Hi everyone, I'm Naila. Today I'm telling you some important topic. So my topic is good touch and bad touch. This is very important to know that body safety for kids. It's very important. So let's go and see how to body safety for our kids. So first of all, जो हम जिस बात पर गौर करेंगे वो है व्हाट इज गुड टच। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं गुड टच असल में है क्या। ऐसे लोग जिनसे आप प्यार करते हैं, उनका आपको गले लगाना, आपको किस करना, जब आप मिसाल के तौर पर जब आपके उठने के बाद आपकी मम्मा आपको गले लगाएं और आपको किस करें, सो दैट इज़ गुड टच। और इसके साथ ही जब आपके पापा आपको सोने से पहले गुड नाइट किस करते हैं, सो ये भी गुड टच है। सो व्हाट इज़ बैड टच। और अभी हम देखेंगे कि बैड टच क्या होता है। बैड टच हमें बुरा या गैर आरामदा महसूस कराता है। जैसे जब कोई आपको किक करता है या चुटकी काटता है या फिर थप्पड़ मारता है, सो ये बैड टच है। हमें अच्छा नहीं लगता कोई ऐसी जगह छुए जहाँ छूने की ज़रूरत नहीं है। हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, सो दैट इज़ बैड टच। सो हम अपनी बॉडी को किस तरह से सेफ कर सकते हैं, हमारी बॉडी कैसे, कौन से अज़ा हैं जिनकी हिफाजत करनी चाहिए हमें, और किसी को इन पर हाथ ना लगाने दिया जाए, मामा पापा और डॉक्टर्स के अलावा कोई ना इन पार्ट्स को छुए। सो सबसे पहले जो इसमें हमारे पास पार्ट है वो है लिप्स, सेकेंड नंबर पे है चेस्ट, थर्ड नंबर पे है बिटवीन योर लेग्स और फोर्थ नंबर पर है बॉटम। सो ये चारों ऐसे पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में जिनका ख्याल हमें रखना है। सो अगर कोई हमें इन पार्ट्स पे हाथ लगाए या हमें बैड टच करे, हमें बुरा लगे, सो हमें क्या करना है, हमें दो तीन बातें हमेशा याद रखनी है। सबसे पहली बात ये है कि हमें ऊंची आवाज़ में चिल्लाना है, हमें उसे रोकना है, हमें उसे कहना है कि नो। सेकंड नंबर पे आपने वहाँ से भागना है, वहीं पे रुकना नहीं है। उस शख्स के पास जो आपको इस तरह से बैड टच कर रहा है, उसके पास रुकना नहीं है, आपने वहाँ से भाग जाना। जब ऐसा होता है, यानी जब कोई आपको बुरा टच करता है, तो ये मत समझें कि आप बुरे हैं। जो आपको बुरा टच करता है वो बुरा है, आप नहीं हैं। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है और वो ये है कि इस बात को कभी भी आपने सीक्रेट नहीं रखना, किसी से डरना नहीं है। आप किसी को बताएं जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं। और हम किन किन लोगों को बता सकते हैं, हम अपने मामा पापा को बता सकते हैं, हम अपने दादा दादी को बता सकते हैं, हम अपने टीचर्स को बता सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।